मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। परंतु आप मुझे बताओ, भगवान न करे एक मिनट के लिए सोचो, ये जीत जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? कोई नाम है भाई? मैं एक एक कर कर पूछता हूं, शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? देखो अब हंसना मत, हाँ बहने आप भी हंसना मत, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हैं बोलो? हंसने का मना किया था। इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं। एक पत्रकार ने पूछा उनको, आपका प्रधानमंत्री कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, बारी बारी पांच साल एक एक जना बनेगा। हमीरपुर वालों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का देश है राहुल बाबा, ऐसे नहीं चलता। मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री का फॉर्मूला आया तो कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना कौन कर सकता है? चंद्र पर चंद्रयान कौन पहुंचा सकता है? युवाओं को स्टार्टअप से आगे कौन बढ़ा सकता है? 60 करोड़ गरीबों को घर में उजाला कौन पहुंचा सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है? अगर सभी कुछ मोदी जी कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जोर से बोलो, कौन बनना चाहिए? भाइयों बहनों, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर देश का प्रधानमंत्री बनने निकले। भाई पूरी दुनिया आपको जानती है, 10 साल में आपने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, 25 पैसे का आरोप भी नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा है। ये थोड़ा गर्मी बढ़ती है, ये राहुल बाबा बैंकॉक थाईलैंड चले जाते छुट्टी में। आप लिख कर रखना, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने इनका 6 तारीख का कार्यक्रम भेजा है, काउंटिंग समाप्त 4 को, 6 को राहुल बाबा बैंकॉक के लिए रवाना। भाइयों बहनों, एक और हर 6 महीने में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पूरा देश, मैं हर जगह पूछता हूं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक ही जवाब आता है, मोदी 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 मोदी। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह भारत माता की। पूरब पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पहाड़ हो या सागर किनारा, जंगल हो या शहर, गांव हो या ढाणी हो, हर जगह मोदी का ही जवाब मिलता है। और ये कांग्रेस वालों को यहां के मुख्यमंत्री की वादा खिलाफ ही महिलाओं को 1500 रुपया देना था, मिला क्या? जोर से बोलना, मिला क्या? 5 लाख नौकरी में से 2 लाख मिल जानी थी, मिली क्या? 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदने वाले थे खरीदते,
₹100 लीटर दूध खरीदने वाले थे लेते हैं। हर गांव में मुफ्त इलाज हो रहा है भाई, और ये वादा खिलाफी करने वाले, घोटाला बाजी करने वाले, ताला लगाने वाले सिर्फ हमीरपुर में स्वारघाट, बलसिना, लंबलू तीन कॉलेज बंद कर दिए, 1.5 साल में बंद कर दिए। भाई सरकारें कॉलेज खुलवाने के लिए होती है या बंद करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं। पर अनुराग जी कहते थे कि अमित भाई और मोदी ने 1700 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा, 3200 करोड़ रुपया भेजा है भैया, 3200। मगर ये सारा पैसा सरकार बचाने में ये चाउ कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिए। आप मेरी बात मुख्यमंत्री जी सुनकर चलो। हमारे साथ तो जो साथी आए उन्होंने इस्तीफा दिया है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, और मोदी जी का नेतृत्व स्वीकारा है, जनता उनको फिर से चुनने वाली है, और ये 6 साथी चुनते ही आपकी सरकार कडडभूस होने वाली। भाइयों बहनों, हिमाचल के अंदर ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया, पर्वतमाला परियोजना, ग्राम सड़क परियोजना, रेलवे में 1600% की वृद्धि, उड़ान में बद्दी, संजोली में हेलीपोर्ट और नया एयरपोर्ट।